लंगर भी हनुमान के चरणों में आदरे लगाए और हर दर्शन कर सकते हैं मान साधु के, जो कि हमारे यहाँ के पीठाधीक्ष हैं। तो अभी आप देख सकते हैं तो इधर से श्री हनुमान जी के मंदिर में जाने का रास्ता दर्शन कर सकते हैं दोस्तों, जो कि सर्वप्रथम पूजनीय है सभी परिवारों में, सभी दरबारों में और सभी घरों में वरुण भगवान की सबसे पहले पूजा की जाती है। और देख सकते दोस्तों कितना सुंदर दरबार लगे शक्ति का। हमारे साधुओं की समाधियाँ बनाई गई हैं जिन्होंने यहाँ पर भजन किया और यहाँ पर अपने शरीर को त्याग दिया इस परमात्मा के चरणों में। आप आस पास का दृश्य देख सकते दोस्तों, कितना मनोरम और प्यारा दृश्य है यहाँ पर राजस्थान की तरह का, क्योंकि मैं करा रहा हूँ आपकी हरियाणा साइकिल भ्रमण यात्रा और करा रहा हूँ आसपास के राज्यों से आपका रूबरू, और अब हम आपको रूबरू करवा रहे हैं राजस्थान की इस पवित्र धरा से। दर्शन कर सकते हैं दोस्तों, जो कि आप श्री लंगरवीर हनुमान कलयुग की जागृत शक्ति। तो भी अंदर मंदिर प्रांगण ये बाबा जी द्वारा बताया जाता है कि जो कि मुख्य मंदिर है यहाँ का, मुख्य मंदिर प्रांगण है प्रधान पीठ। जी जी, प्रधान पीठ बताया जाता है इनको। और देख सकते कितना भव्य दरबार सजा हुआ है यहाँ पर। श्री लंगरवीर हनुमान, श्री राम, जय राम, जय जय राम। अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई हो, कृपया श्री लंगरवीर हनुमान के चरणों में आदरे लगाएं और हर बंधन से मुक्ति पाए, जो कि हनुमान चालीसा का जाप करें दोस्तों, हनुमान अष्टक का भी जाप करें। देख सकते दोस्तों कितना ही सुंदर और पवित्र दरबार सजा बाबा का, देख सकते हैं। और ये हमारे पीठाध्यक्ष भी आ चुके हैं यहाँ पर, आए हैं भी बाबा के दरबार में। तो दर्शन कर सकते हैं इस महान स्वास्तिक के, जिसको हमारे शास्त्री जी ने हमें समझाया, और आप भी देख सकते दोस्तों, जो कि जिस जिस दिशा में हम गए हैं उस दिशा का इसमें वर्णित है। तो आपको कृपया इस वीडियो को जूम करके देखें और अपने आप को समझाएं। स्वामी धनराचार्य जी महाराज जी का आपने फोटो देखा ही होगा। जी जी, देखा बाबा जी। और उनका जीवन जो था, जी बाबा जी, कदली वन श्री छिटपीठ हनुमान मंदिर बनाने तक था। जी बाबा जी। और ये काफी ग्रंथों में पढ़ते हुए जी 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 देखा है। जी जी जी। और ग्रंथों द्वारा ये पढ़ने के बाद स्वामी विवेकानंद जी का जी 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 जीवनी पदे उठते बाद उनके भी लड़ा दे कदली बन, तो केले के बदान में वो काफी समय तक तपस्या करते थे। जी 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 बाबा जी। और तपस्या करने के बाद वो बोले दे उनका भी जीवनी पदा, तो महाराज जी का जो है हार्दिक इच्छा हो गई थी कदली वन श्री छिटपीठ बनाए। जी जी बाबा। दोस्तों आज आपने दर्शन किया हमारी वीडियो के द्वारा, जो कि हमने दिखाया आपको हनुमान मंत्रालय, हनुमान जी का पवित्र दरबार और श्री प्रधान हनुमान जी, जो कि अपनी सेना के साथ विराजमान
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। और हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं हर वीडियो में हर जगह हर स्थान पे आपको बताता हूँ, कृपया भाईचारा बनाए रखें, इस अटूट शक्ति को न टूटने दें किसी तीसरे के बहकाव में आकर। और हाँ दोस्तों, कृपया नशे से बचें, अपने चमत्कारी जीवन को, अमूल्य जीवन और बहुमूल्य जीवन को, परमात्मा के दिव्य पवित्र चोले को नशे में व्यर्थ ना करें, परमात्मा की भक्ति करें। नशा करना तो परमात्मा करो, देशभक्ति का करो। दोस्तों मिलते अपनी हरियाणा साइकिल भ्रमण यात्रा की एक और आगे की यात्रा के द्वारा। तो भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, जय हिंद।